ई एक सेट है जिसका मेजरेबल फाइनाइट मेजर है और एक सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है जो मेजरेबल है और वो कॉन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज एक फंक्शन एफ को, ठीक है, वो भी तो एफ भी क्या होगा, मेजर होगा, हमने प्रॉपर्टी देखी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट देयर इज अ क्लोज सेट एफ कंटेन इन ई फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड। मतलब क्या करना है, हमें एक एफ से एक सबसेट फाइंड करना है ई का, सच डैट एफ एन जो है सिक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कॉन्वर्ज कर रहा है एफ पर यूनिफॉर्मली ऑन दिस सेट एफ एंड मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक लेमा देखा था, अगर ये गिवन कंडीशंस अज्यूम होल्ड होती है, मतलब ई हमारे पास फाइनाइट सेट है और एफ एन भी है सिक्वेंस ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन है जो कॉन्वर्ज कर रहा है एफ पर पॉइंट वाइजली, तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है, तो हमने वो लेमा प्रूफ किया था, अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है देन, ठीक है, तो बाय प्रीवियस लेमा हमने वो लेमा देखा था, हमने क्या प्रूफ किया था कि मान लो हमारे पास एक मेजरेबल सेट है और उसका जो मेजर है वो फाइनाइट है और एफ एन जो है वो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है जो कॉन्वर्ज कर रहा है एफ पर और जो डिफाइन है ई पर, ठीक है, और दोनों मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है और मेजरेबल है, मतलब ईच फंक्शन और एफ वन एफ टू हर एक फंक्शन जो है वो मेजरेबल है और वो एफ पर कॉन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइजली, पॉइंट वाइजली कर रहा है मतलब क्या, पॉइंट वाइजली ऑन ई, ठीक है, मतलब हमारे पास एक ई सेट है, ई में जितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट को रख के अगर आपने एक पॉइंट को फिक्स किया मान लो एक्स और उसको रख के एक फंक्शन बनवाया, ठीक है, एफ एन ऑफ एक्स, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये बन जाएगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो कॉन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक रियल नंबर पे कॉन्वर्ज करेगा डेट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पॉइंट वाइज का मतलब ये होता है आप हर एक पॉइंट के लिए वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेगा और वो कॉन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइजली, ठीक है। अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है, ये लिमा में देखा था, अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है, हाँ अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है, कोई भी अगर आप फॉर म्यू सॉरी फॉर ईटा ग्रेटर देन जीरो एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर आपने कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए, देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल, देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सबसेट ऑफ ई विच वी कॉल ए, तो वहाँ पे एक सबसेट होता है, एग्जिस्ट होता है जो कि सबसेट ऑफ एक मेजरेबल सेट होगा ए जो विच इज सबसेट ऑफ ई, ठीक है। अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है, लेमा का कंडीशंस होल्ड होती, अगर ये यही कंडीशन जो एगोरोव्स थ्योरम में वही गिवन कंडीशंस अगर होल्ड होती है, ठीक है, और कोई भी अगर हमने दो रियल नंबर ले लिए, दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए ईटा और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, बाय दैट लेमा देयर एग्जिस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट होगा एक सबसेट जो कि होगा मेजरेबल सबसेट ऑफ ई सच दैट, एंड एक एन एग्जिस्ट होगा विच इज इंटीजर विच इज सॉरी विच इज अ नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन वन अपॉन स्ट्रिक्टली लेस देन ईटा ऑन ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन बिगर इक्वल्स टू एन एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये कंडीशन, अगर एगोरोव्स थ्योरम की गिवन कंडीशन अगर होल्ड होती है एंड अगर दो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो एक ए मेजरेबल सबसेट एग्जिस्ट होगा और एक एन नेचुरल नंबर हमें मिलेगा सच दैट जो ये कंडीशंस होल्ड करेगा, ठीक है। बाय दैट लेमा हम बोल सकते हैं, बाय दैट लेमा हम बोल सकते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन एंड ईटा ग्रेटर देन जीरो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सबसेट ऑफ ई दैट इज ए सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन ईटा ऑन ए एंड एन इज बिगर इक्वल्स टू एन एंड एन एग्जिस्ट होगा, दो एक सेट एक सबसेट एन में एग्जिस्ट होगा और एक कैपिटल एन एग्जिस्ट होगा सच दैट दिस कंडीशन विल होल्ड एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन होल्ड होगी बाय लेमा और इसका प्रूफ दे रखा है मैंने, ठीक है। अगर ये कंडीशंस होल्ड हो रही है, मान लो अगर हमने फिक्स किया ईटा इज इक्वल्स टू वन बाय वन ले रहे हम एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन की वैल्यू ले रहे हम एप्सिलॉन बाय टू रेस टू टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो और रिटर्न दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड ईटा इज वन विच इज अगेन पॉजिटिव रियल नंबर, बाय दिस लेमा वी कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, हम उसको ए वन लिया है तो वन अपॉन वन लिया तो उसको हम बोलेंगे ए वन सच डेट उस सबसेट एग्जिस्ट होगा एंड
एन वन एग्जिस्ट होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन वन ऑन ए वन एंड एन इज बिगर इक्वल स्ट्रिक्टली इक्वल एन इज ग्रेटर इक्वल एन वन एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए वन इज लेस देन एप्सिलॉन इट इज एप्सिलॉन बाय टू स्क्वायर। अभी कहाँ से लिखा हमने बाय लेमा, ठीक है। अगर मान लो मैं ईटा की वैल्यू मैं टू वन बाय टू ले लेता हूँ, ठीक है, और एप्सिलॉन लूंगा टू रेस टू टू प्लस जो भी यहाँ पे है, जैसे कि टू है तो टू प्लस एक वन ऐड करना है जो भी नीचे टर्म होगा, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। अगर दो मैंने ग्रेटर देन जीरो दो रियल नंबर ले लिए, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए, इसके लिए अगेन एक सबसेट एग्जिस्ट होगा जिसको मैं बोलूँगा ए टू और एक एन टू एग्जिस्ट होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन वन बाय टू ऑन ए टू एंड एन इज बिगर इक्वल्स टू एन टू एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए टू स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय टू क्यूब, टू प्लस वन इज थ्री टू क्यूब, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होगी। इन जनरल मान लो मैंने एन ईटा की वैल्यू ले ली वन बाय एन और एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली एप्सिलॉन बाय टू रेस टू एन प्लस वन इट्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसके लिए एक सबसेट एग्जिस्ट होगा जिसे मैं बोलूँगा ए एन सच दैट एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ एन बोलूँगा क्योंकि एन वन है एन टू है तो इसी तरह ये एन ये जो है तो वो एन आ जाएगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन बाय एन ऑन ए एन एंड ऑन ए एन एंड एन इज बिगर इक्वल टू एन ऑफ एन, ठीक है, एंड मेजर ऑफ ई माइनस ए एन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय टू रेस टू एन प्लस वन, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग ईटा की वैल्यू चेंज करेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग हम लेते जाएंगे तो हमें अलग अलग सबसेट मिलते जाएगा, और बाद में क्या करेंगे जैसे ए वन मिला तो ए टू सबसेट मिला उसी तरह एन सो ऑन करके हमें एक जनरल टर्म मिला ए एन, इन सब का अगर हम यूनियन ले लेंगे और उस सेट को हम बोलेंगे ए, तो हमें जो हमने किया इसी को हम प्रूफ के में भी लिखेंगे हम, ठीक है। सो बाय प्रीवियस लेमा, तो कभी ऐसा आया कुछ टेस्ट में कैसा आता है कि बोलते हैं स्टेट एंड प्रूफ एगोरस थ्योरम, तो सबसे पहले आपको देना होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आपको बताना होगा मेंशन, आपको मेंशन करना होगा लेमा और उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। और लेमा का प्रूफ मैंने दे रखा है ऑलरेडी तो मैं अभी करूँगा नहीं, उसके बाद लेमा के बाद आपको करना है, तो हम लिखेंगे बाय लेमा कोई भी आप ले लो ईटा, फॉर ईटा इज इक्वल्स टू वन बाय एन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वेयर एन इज नेचुरल नंबर एंड एप्सिलॉन लूंगा वन एप्सिलॉन अपॉन टू रेस टू दिस एन प्लस वन विच इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगर दो मैं रियल पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूँ देन देयर एग्जिस्ट मेजरेबल सबसेट उसको मैं बोलूंगा ए एन ऑफ ई एंड एन ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन ईटा ईटा इज वन अपॉन एन ऑन ए एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन इसे के ले लेते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के बिगर इक्वल एन ऑफ एन, ठीक है। और ये कैसे लिखा मैंने लेमा की मदद से, डेफिनेटली अगर मैं एक दो पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूँ तो लेमा की मदद से डेफिनेटली हमें एक सबसेट मिलेगा ए एन और एक हमें मिलेगा एन सच दैट दिस कंडीशन विल होल्ड एन मेजर ऑफ ई माइनस ए एन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बट हियर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन बाय टू रेस टू एन प्लस वन, ठीक है। ये जनरल टर्म है जिस तरह हमने वन के लिए किया उसके लिए टू के लिए किया एन वन बाय टू के लिए किया उसी तरह वन बाय एन के लिए जनरल टर्म लिखा हमने, ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे इन सब सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो भी हमने सेट्स लिखे थे एन दिस ईटा के लिए दिस ईटा के लिए दिस ईटा के लिए इन सब ईटा के लिए एक एक कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स एग्जिस्ट होते थे ए वन कहा था ए टू कहा था एन सो ऑन ए एन कहा था उन सब सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। नाउ वी डिफाइन ए विच इज सेम एज इंटरसेक्शन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन, जितने भी पॉसिबल ऐसे जो है अलग अलग के लिए तो उसके लिए हमने इंटरसेक्शन और नेचुरल नंबर इन्फाइनाइट होते हैं, अगर एन चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग सबसेट मिलते जाएंगे और इन सब कॉरस्पॉन्डिंग सबसेट्स हम क्या कर लेंगे इंटरसेक्शन ले लेंगे और इन्फाइनाइट है इसलिए एन रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और जो भी नया सेट मिलेगा उसको हम कहेंगे ए, ठीक है।
तो हम मेजर ऑफ ई माइनस ए क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई माइनस ए विच इज सेम एज मेजर ऑफ ई माइनस ए इज इंटरसेक्शन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, विच इज दिस टर्म इज सेम एज मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई माइनस ए एन, एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बाय समेबिलिटी प्रॉपर्टी। समेबिलिटी प्रॉपर्टी, समेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये मेजर है, मेजर इज रिप्लेस्ड बाय विच इज लेस देन, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ एन रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई माइनस ए एन, ठीक है, ई माइनस ए एन, बट ईच ई माइनस ए एन इज लेस देन, मतलब ईच ई माइनस ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू n+1। सो दिस टर्म इज, दिस टर्म दैट इज मेजर ऑफ यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई माइनस ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाय एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू n+1। दिस इंप्लाइज दैट मेजर ऑफ ई माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन बाय 2 रेज टू n+1। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसलिए समेशन के बाहर आ जाएगा। सो विच इज ई माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू n+1। ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई, एम मेजर ऑफ ई माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस सिक्वेंस, दिस सीरीज विल बिकम 1/2। यहाँ से हम बोलेंगे इक्वेशन 1 बोल देते इसको, अभी हो गया। अब हम यहाँ से क्या क्लेम करेंगे, नाउ वी क्लेम दैट द सिक्वेंस एफ एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए सेट, ठीक है, और ए सेट क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट से हमें बनाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कॉन्वर्ज करेगा एफ पर यूनिफॉर्मली ऑन दिस सेट, ठीक है। तो इस सेट पर हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एक एप्सिलॉन ले लिया, एंड वी चूज अ नेचुरल नंबर m such that 1/m is strictly less than epsilon by Archimedean property, by Archimedean property से हम बोल सकते हैं ऐसा m exist होगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, बेसिकली एक epsilon एक रियल नंबर ले लिया, और 1/m दूसरा रियल नंबर है जो epsilon से छोटा है, जो epsilon से छोटा है, दो रियल नंबर ले लिया। अगेन बाय लेमा हम बोल सकते हैं, अगर दो रियल नंबर हमने ले लिया, दो पॉजिटिव रियल नंबर है और वही सब कंडीशंस होल्ड हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक सबसेट एग्जिस्ट होगा जिसको हम बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ए एम, ए एम उसको नाम देंगे, एंड एन एम, एन ऑफ एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एफ के माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन ईटा, बट ईटा इज हेयर, और हमने क्या क्या लिया, 1/m लिया, हमने क्या लिया, 1/m, सो 1/m ऑन ए एम सेट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के बिगर इक्वल एन ऑफ एम, ठीक है। तो यहां से ट्रू होगा, तो हमने क्या किया, एक ई सेट है, ई सेट में हमने अभी क्या डिफाइन किया, एक ए एम सेट है, ठीक है, ए एम सेट है, और उसके अंदर ए एन है, कैसे, ए एन सॉरी ए इज सबसेट ऑफ ए एम, ए इज सबसेट ऑफ ए एम, क्यों, क्योंकि ए क्या है हमारा, ए इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एन, ए एन का इंटरसेक्शन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हमने डिफाइन किया है, मतलब और एम भी कहीं ना कहीं इसमें आएगा, मतलब ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, ए एम इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, ए एन इंटरसेक्शन मान लो कहीं तो भी इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ए एम इसके अंदर आ रहा है, और ए क्या है, एक ऐसा सेट है जो हर सेट के अंदर कॉमन है, तो डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ ए एम, तो ये ए एम सेट है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ए आएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि
ये कब ट्रू है, ए एम सेट के लिए ट्रू है, ए एम सेट के लिए ट्रू है मतलब इस पूरे रीजन के लिए ट्रू है, और इसी सेट के अंदर कहीं ना कहीं एक सेट आता है ए, तो इस सेट के लिए भी क्या होगा, डेफिनेटली इस सेट के लिए भी ट्रू होगा। तो हम इसको बस ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हाउएवर ए सबसेट ऑफ ए एम एंड वन अपॉन एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ एफ के माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन वन अपॉन एम ऑन ए एम सेट के लिए ट्रू है, मतलब क्या ए सेट के लिए भी ट्रू है, क्योंकि ए सेट उसके अंदर आता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के बिगर इक्वल्स टू एन ऑफ एम। अब ये हमें डेफिनेशन क्या हो, किसका हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट का होगा। यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट के लिए मतलब क्या होता है कि आपके लिए जो एन है ना, हर एक उस जो सेट है, ये जो सेट है हमारा मान लो ये ए सेट है, तो हर एक फॉर्म कॉन्वर्जेंट क्या बोलता है कि आपके पास सेट है तो हर एक पॉइंट के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन मिलेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिलेगा जो कॉन्वर्ज करेगा एफ पर, एफ पर कॉन्वर्ज करेगा मतलब क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस हर एक एप्सिलॉन के लिए एक एन एग्जिस्ट होगा, ठीक है, और यही एन सबके लिए सेम रहेगा, हर पॉइंट के लिए आप कोई भी यहाँ पे और एक पॉइंट ले लो, उससे सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेगा, वो फिर से फंक्शन एफ पे कन्वर्ट करेगा, और वही एन यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब हर एक पॉइंट के लिए वो वर्क करेगा। तो वही हमने यहाँ प्रूफ किया कि ऑन ए, उस ए सेट के लिए एन सबके लिए कॉमन है, वो है एन ऑफ एम। तो यहाँ से हमने बता दिया कि एन ऑफ ये जो सेट है, ये जो ए एम सेट है, ए एम सेट जो है वो कॉन्वर्ट, ये ए एम सेट क्या हो गया, इस सेट पर हमारा जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस एफ के फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी कॉन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कौन से सेट पे, ऑन दिस सेट, ऑन ए, ठीक है। मोर ओवर ए सेट क्या है, ए सेट इज मेजरेबल है, क्यों है मेजरेबल, बिकॉज ए सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एन है, और ए एन सेट क्या है, ए एन एन सेट इज मेजरेबल सबसेट, ए एन एक मेजरेबल सबसेट है, तो हर जितने भी ए वन ए टू ए एन जो भी है सब मेजरेबल सेट है, और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ए सेट इज मेजरेबल, ए सेट मेजरेबल है, एंड फॉर एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, हमने एप्सिलॉन स्टार्टिंग में यहीं पे अज्यूम किया है, नाउ वी क्लेम डेट यहीं पे हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिया था। तो हमने बहुत पहले प्रूफ किया है, अगर ये एक स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है, एफ इज मेजरेबल एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड सेट, देन देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट क्लोज सबसेट ऑफ ए, सेट देन देयर एग्जिस्ट क्लोज सबसेट ऑफ ए, सबसेट को हम क्लोज सबसेट को हम बोलेंगे एफ, ठीक है, हमें एफ फाइंड करना था, वो एफ यहाँ से हमें मिला, देयर एग्जिस्ट क्लोज सबसेट ऑफ ए सच दैट, एफ इज सबसेट ऑफ ए सच दैट मेजर ऑफ ई माइनस एफ, सॉरी ई इज हेयर सच दैट मेजर ऑफ ए माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है। बाय दैट थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सबसेट ऑफ ए, मतलब सबसेट एक एग्जिस्ट होगा जिसको हमने एफ किया, सो एफ इज सबसेट ऑफ ए सच दैट मेजर ऑफ ए माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, इसे कहेंगे हम इक्वेशन टू, ठीक है। सो नाउ एज एफ इज सबसेट ऑफ ए नॉट, एफ इज सबसेट ऑफ ए नॉट, तो हमने क्या बताया कि जो ए नॉट सेट है ये सेट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए एन वर्क कर रहा है, और इसी सेट के अंदर क्लोज सेट है एफ, ठीक है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे बताया कि ए एम था, ए एम के अंदर था ए आता है तो ए के लिए भी ये ट्रू होगा, उसी तरह दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एफ बिकॉज एफ इज सबसेट ऑफ ए नॉट, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ नहीं एफ इज सबसेट ऑफ ए नॉट, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ के माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन, एफ इज सबसेट ऑफ ए नॉट हो गया, और ए नॉट सेट क्या यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है, ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर हम कोई भी एक सेट ले लेंगे वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ के सेट के फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन सेट फंक्शन ऑन सबसेट एफ, ठीक है। एज ई माइनस एफ क्या हो जाएगा, देखो
ये हमारा सेट ई था, उसके अंदर हमने एक सेट डिफाइन किया ए और उसके अंदर हमने सेट डिफाइन किया एफ, ये सेट इज एफ, ठीक है। सो ई माइनस एफ करो, ई माइनस एफ मतलब दिस होल रीजन, दिस होल रीजन, दिस होल रीजन। ई माइनस एफ इज सेम एज ई माइनस ए यूनियन, ई माइनस ए मतलब क्या, ई माइनस दिस सेट दैट इज दिस रीजन यूनियन ए माइनस एफ मतलब दिस रीजन विच इज सेम एज दिस होल रीजन इज सेम एज दिस रीजन। सो ई माइनस ए मीन्स दिस रीजन यूनियन ए माइनस एफ मीन्स वी विल गेट दिस होल रीजन विच इज सेम एज ई माइनस एफ, ठीक है। सो मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन इक्वल्स टू बाय मोनोटोनिक प्रॉपर्टी मेजर ऑफ ई माइनस ए यूनियन सॉरी प्लस मेजर ऑफ ए माइनस एफ, मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू फ्रॉम वन फ्रॉम टू एंड वन विच इज सेम एज मेजर ऑफ ई माइनस एफ स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल नहीं है एप्सिलॉन है क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे है स्ट्रिक्टली लेस देन है। सो एम मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव होता है। मतलब बेसिकली हमें क्या करना था कि हमें एक क्लोज सबसेट फाइंड करना था एफ, ठीक है, और उस सेट में हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होना चाहिए। और एंड मोर ओवर हमें ये भी फाइंड करना था कि मेजर ऑफ, ये दिखाना था मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने दिखा दिया। और यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट हमने कैसे दिखाया, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट हमने ऐसे दिखाया कि हमारे पास सबसे पहले एक ए सेट आया था, ए सेट हमने कहा था, और ए सेट क्या था कि हर पॉइंट के लिए मतलब ए सेट जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट था, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है मतलब कि हर एक पॉइंट के लिए सेम एन वर्क करता है। तो इसमें से भी अगर कोई भी सबसेट लूँ तो उसके लिए भी वो यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट रहेगा। तो उसका सबसेट कौन था, एफ, एफ था, एफ इज अ क्लोज सबसेट। और वो एफ की गारंटी कहाँ से मिली थी, हमें प्रीवियस थ्योरम से गारंटी मिली थी जो हमने बहुत पहले प्रूफ किया था, यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूफ होता है।